हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे रहे। आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इसका नाम है, आप लोग देख सकते हो, लोबेज जीएम क्रीम, ठीक है। और ये 20 ग्राम का आता है, ठीक है। और इसका जो कंपनी है वो एबॉट कंपनी है, ठीक है, एबॉट। और इसका जो पैकेटिंग है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसा आता है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो आप लोगों का 153.60 रुपीस, ठीक है। और ये आप लोग कोई भी मेडिकल शॉप या रिटेल दुकान पर भी आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। और ये मेडिसिन हम लोगों का क्या क्या काम में आता है और इसका फ़ायदा क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और इसका साइड इफेक्ट भी क्या है, मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, ठीक है। मतलब आप लोगों का मुख में जो फेस है उसके अंदर क्या होता है, आप लोगों का गुटी गुटी मतलब पिम्पल्स होता है, ठीक है। और पिंपल्स जो होता है वो एक टाइप का होता है, मतलब आप लोगों का लेटिन ठीक तरह से क्लियर नहीं होता है, फिर दो एक दिन में आप लोगों का पिंपल्स दिखा देते हैं, वो अपने आप डाल जाता है, ठीक है। लेकिन और किसी का क्या होता है, पिंपल्स होता है लेकिन कमता नहीं है, ठीक है, वो आप लोग इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो पिम्पल्स कमने के बाद क्या होता है, किसी का काला सा दाग हो जाता है, ठीक है, आप लोग स्किन के अंदर, जैसे यहाँ पर आप लोगों को काला दाग हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को कोई भी किसी भी मेडिसिन से काम नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्रीम को लगा सकते हो, ठीक है। आप लोग 15 से 20 दिन तक अपने लगाने से आप लोगों का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, वो काला दाग आप लोगों का नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या काम आता है, आप लोगों का जो स्किन में, आप लोगों को शरीर में कोई भी जगह पर आप लोगों को दाउद होता है, ठीक है, और शरीर किसी भी बॉडी में आप लोगों का क्या होता है, एलर्जी हो जाता है, ठीक है, गोटा गोटा सा होता है, फिर आप लोगों को कमता नहीं है, ठीक है। तब भी आप सभी लोग इसको लगा सकते हो, ठीक है। और किसी का दाउद होता है तो आप लोगों को देखेंगे यह बहुत जैसे चकरा चकरा हो जाता है, ठीक है, गोल गोल सा चकरा चकरा हो जाता है, ठीक है। तब भी आप सभी लोग इसको लगा सकते हो, ठीक है। ये लगाने के बाद मतलब आप लोगों का जो आप जब भी लगाओगे, आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप लोगों को दाउद होगा तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोगों को निरामिष खाना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी मांस मांस डीम ये सब नहीं खाना है, ठीक है। जब आप लोग ये सब चीज़ खाओगे तो आप लोग एलर्जी ज़्यादा होगी और आप लोगों को काम नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको जब लगाओगे आप लोग अच्छी तरह से मुंह को, आप लोगों को फेस को अच्छी तरह से फेस वॉश से कोई धोना है, ठीक है, कोई भी साबुन से नहीं लगाना है, ठीक है। और जब भी फेस वॉश करोगे आप लोग 2 मिनट 4 मिनट के बाद मुँह को भारत अच्छी तरह से धोकर 2 मिनट 3 मिनट आप लोग मुँह को पूरा सूखना कर लेना है, ठीक है। आप लोग जो फेस है वो सुखाने के बाद आप लोगों को इस मेडिसिन को लगाना है, ठीक है। और आप लोगों को मुँह में जल है मतलब पानी है, आप लोग ऐसे ही लगा देते हो, लेकिन एक क्रीम तो अच्छे तरह से काम नहीं करेगी, ठीक है। और इस मेडिसिन को लगाकर आप लोग कोई भी लोग मतलब दिन में नहीं निकलना है चाहिए, ठीक है। जब भी आप लोग इस मेडिसिन को लगाओगे अपने फेस के अंदर, तब आप लोगों को कोई भी लोग, महिला हो पुरुष हो, आप लोगों को दिन में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। जब आप लोगों को लगाओगे फिर आप लोगों को घर में रहना चाहिए, ठीक है। ये क्रीम लगाकर आप लोगों को, ये मेडिसिन है ना, ये तो नॉर्मल क्रीम जैसा नहीं है, ये तो मेडिसिन है। आप लोग जब भी लगाओगे जाओगे, आप लोग कोई भी रोद में जब गर्म में आप लोग जाओगे, आप लोग फेस में उल्टा रिएक्शन ही करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोगों का और भी फायदा और है, जो काले लोग होते हैं वो गोरा होने के लिए क्या करते हैं, इस क्रीम को यूज़ करता है, ठीक है। आप लोग कोई भी लोग इस क्रीम को काला से गोरा होने के लिए यूज़ मत करना, ठीक है, ये मेरा एडवाइस है, ठीक है। मैं सही तरह से बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस क्रीम को लगाने के बाद जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, आप लोग चेहरा जो होता है वो पहले से भी ख़राब हो जाता है, पूरा बुरा हो जाता है, ठीक है। क्या हो गया, एक क्रीम को आप लोग छोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है, इस क्रीम को आप लोग लगाते रहना है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। इसीलिए आप लोग कोई भी इस क्रीम को, आप लोग का बीमार हो गया, बीमार मतलब ठीक हो गया, फिर इसको छोड़ देना है, ठीक है। और जो पहले इस क्रीम, जो भी क्रीम यूज़ करते थे उस क्रीम को आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको गोरा होने के लिए मत यूज़ करो, ठीक है। और इसको और भी फायदेमंद है, हम लोग जो प्राइवेट पार्ट है, आप लोग हम लोगों का पैर के दो साइड में, उसमें भी मतलब खुजली होता है, और ज़्यादा लड़की लोग और लड़का लोग भी दो साइड, हम लोग क्या करते हैं, वो अंडरवियर पहनते हैं ना, जो जंगा बोलते हैं हम लोग, उसको यूज़ करने से क्या होता है, दो साइड में हम लोगों का खुजली होता है और
थोड़ा सा छुल भी जाता है, कैसे ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करते हो, इस क्रीम को लगा सकते हो, ठीक है। इसको लगाने के बाद आप लोगों को पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो भी एक फ़ायदा है, जैसे आप लोगों का जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो बच्चा डिलीवर के होने के बाद क्या होता है, उसके पेट में दाग हो जाता है, ठीक है, सादा सादा सा दाग हो जाता है। किसी का जो ऑपरेशन हो गए तो उसमें भी आप लोगों को दाग देखना मिलेगा, ठीक है। तब भी आप सभी लोग इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर भी आप लोग डॉक्टर के सलाह के बाद यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों तो मैं इस क्रीम के बारे में तो बोल ही चुका हूँ, और इसका साइड इफेक्ट जो होता है ये भी बोल चुका हूँ, और इसका जो साइड इफेक्ट आप लोग का डोज है वो आप लोग करीब आप लोग एक मास मतलब आप लोग लगा सकते हो, ठीक है, और ज़्यादा नहीं। और ये बच्चों को देना नहीं चाहिए, ठीक है। बच्चों को जो आप लोग दोगे तो आप लोग को डॉक्टर के सलाह के बाद ही देना चाहिए, ठीक है। और इसको आप लोग डॉक्टर के सलाह के बाद लेना नहीं चाहिए, ठीक है। और आप लोग जो बड़ा हो जाए मतलब 15 ईयर्स के बाद हो गए तो आप लोग ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई इतना इन्फेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो कोई खाने का चीज़ नहीं है, ये सिर्फ लगाने का है, ठीक है। फिर भी आप लोग डॉक्टर के सलाह के बाद ही लेना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग सभी समझ गए।